लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। लोकसभा चुनाव के सियासी अखाड़े में कूदने से पहले ही यूपी के संत कबीर नगर में बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए। बीजेपी के सांसद शरद त्रिपाठी महादावर से विधायक राकेश सिंह के बीच खूब आतापाई हुई। देखिए इसे। जब सांसद और विधायक एक ही पार्टी के आपस में भिड़ गए तो तस्वीर कैसी बनती है ये आपके सामने है। जमकर हाथापाई हुई, मारपीट हुई। मामूली सी बात पर जूतन पैजार को देखकर अधिकारी और कर्मचारी दंग रह गए, लेकिन सांसद और विधायक सारी मर्यादा भूलकर आपस में लपड़ थप्पड़ करते रहे। दरअसल सिलावट पर सांसद महोदय का नाम नहीं था, इसी बात को लेकर सांसद शरद त्रिपाठी भड़क उठे। मामला गाली गलौज से शुरू हुआ और फिर जो कुछ हुआ ये तस्वीर आपके सामने है। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। तस्वीरों में जो दिख रहे हैं अखिल शरद त्रिपाठी जो बीजेपी के सांसद हैं और राकेश सिंह जो विधायक जूतों से उन्हें पीट चुके हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरह की तस्वीर देखकर बीजेपी के नेता तो शर्मसार हो ही रहे होंगे। हैरान करने वाला वाक्य जो संत कबीर नगर में हुआ है, उसके बाद दोनों नेताओं के समर्थक अभी भी वहां पर इकट्ठा है, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग के दौरान में बहस शुरू हुई। प्रोटोकॉल को लेकर के किसी बात की जानकारी सांसद मांग रहे थे, उसके बाद विधायक ने जवाब दिया कि आप जानकारी स्वयं ले लीजिए। उसी बात पर बातचीत बढ़नी शुरू हुई और उसके बाद गाली गलौज शुरू हो गई। और इतने में ही जो सांसद है वहां पर, वो शरद त्रिपाठी, उन्होंने अपना जूता निकाला और MLA राकेश बघेल पर लगातार जूतों से वार करना शुरू कर दिया। और ये सारा तस्वीरें तो हैरान करती हैं। फिलहाल ये मामला शांत हो गया है या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? लेकिन फिलहाल ये बताइए, हाथापाई के बाद दोनों नेता सांसद और विधायक महोदय हैं कहाँ? राकेश बघेल MLA हैं, उन पर पड़े हैं, इसलिए उनके समर्थक वहाँ पर इकट्ठा हैं और तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मुकदमा दर्ज करने की और मामले में एक्शन लेने की बात लगातार कह रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस वक्त वहाँ पर जो यूपी सरकार के मंत्री हैं आशुतोष टंडन, वो भी बगल में बैठे हुए थे, MP के बगल में, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी सबकी मौजूदगी में जिस तरह की घटना हुई है वो बेहद शर्मसार करने वाली है बीजेपी के लिए। और बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और अधिकारी लगातार जो राकेश बघेल MLA हैं उनके समर्थकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें। जब 2019 का चुनाव करीब है और 80 से 74 सीटें जीतने का लक्ष्य हो तो नेताओं का आपस में ही सिर्फ फोड़ना जारी है। कोई पक्ष मिल पाया है क्या बीजेपी नेताओं को? देखिए, अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं दिया गया है। हालांकि वहां जो अधिकारी मौजूद है, DM, SSP और दूसरे अधिकारी, वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समर्थक इकट्ठा है, वो लोग एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो इस घटना के बाद आला स्तर पर जो यहाँ मंत्रालय में अधिकारी हैं और इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं और मामले में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी खराब स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि चुनावी माहौल में इस तरह का बहुत गलत मैसेज जाता है। और वो भी मंत्री की मौजूदगी में, जब आशुतोष टंडन जो कि यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में इस तरह घटना हुई, उसके बाद और शर्मसार करने वाला है। फिलहाल चुनाव के मद्देनजर इस तरह की घटना होना सरकार के लिए बहुत निंदनीय भी है और उनके जब दो सीनियर नेता इस तरह की घटना कर रहे हों उस पर उनको जवाब देते नहीं बनना है, इसलिए कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। शर्मसार तो इस इलाके की जनता भी हो रही होगी जिन्होंने इन्हें चुनकर एक संसद दूसरे को विधानसभा में भेजा। जरा देखिए आपके नेता किस प्रकार आपक होते हैं। मामूली सी बात पर अखिल कहा जा रहा है सांसद महोदय का नाम सिलापट पर नहीं था, इसी बात को लेकर कहा सुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात जूतन पैजार तक आ गई। जिसके बाद शांत कराने की कोशिश हुई, जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने शांत कराया भी अचानक से, लेकिन फिर से इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई और अभद्र गालियां देना शुरू की एक दूसरे को। और उसके बाद जूता निकाल करके अचानक से जो सांसद महोदय है उन्होंने उनके सर पे वार करना शुरू कर दिया, जो कि बेहद हैरान करने वाली घटना थी।